राणा साहब देखो 1990 में मैं आउट हुआ जीरो पे, वकार यूनुस ने मेरे को आउट किया, मेरे को इतना बुरा नहीं लगा जितना ये लेडी ने चलते शो से मुझे आउट किया, मेरे को बहुत बुरा लगा। मेरे को उतरो यहां से, चलो चलो बाहर, मैं आपके पति को बांध के आऊं, चलो। शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए, रिलैक्स कीजिए। शांत मैं कैसे रहूं? देखो शिल्पा जी, आपके राज कुंद्रा पे कोई बैठ जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही मेरी कुर्सी मेरा राजकुंद्रा और मेरा राजकुंद्रा मेरी कुर्सी। उठो उठो। अरे देखिए देखिए, नकली 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 सिद्धू जी, थोड़ा इस हमारी इस बहस की गरिमा बनाए रखिए प्लीज। अच्छा मैं गरिमा बनाऊं? और ये औरत मेरी कुर्सी में बैठ के फ्लैट पे फ्लैट बना रही, उसका कुछ नहीं। मैं कहता हूं उठो। ओ बैठ जाइए, डिबेट में पार्टिसिपेट कीजिए, बातें करते हैं, रिलैक्स कीजिए थोड़ा। शिल्पा जी क्या लग रही हैं आप? आपके लिए अर्ज किया है। वाह इशाद, अर्ज किया है कि बात जो आती है दिल पे वो मैं कहता हूँ मुंह पर, बात जो आती है दिल में वो कहता हूँ मुंह पर। लड़कियां और भी बड़ी देखी है भाई, तुम हो सुपर से ऊपर, ठोको। मैं क्या मोहतरमा, आप भी बड़ी प्यारी लग रही है, आपके लिए मेरी तरफ से किस है? सिद्धू साहब एक शेर मुझे भी आया, मैं बोल लूं। शेर उधर जा करके आ। नहीं एक शेर शिल्पा जी पर। पतझड़ में कभी ना कभी फूल जरूर खिलेंगे, पतझड़ में कभी ना कभी फूल जरूर खिलेंगे। शिल्पा जी आप रोड पे गाड़ी चलाती हैं, ध्यान रखना हम गुलदस्ते के साथ आपको सिग्नल पे जरूर मिलेंगे। भाई मैं देखो जी दो लफ्ज मैं कहना चाहता हूँ, मौके पे आमद होती है। हाँ जी, ऐसा कोई सपना नहीं जो होता नहीं पूरा। हाँ जी हाँ जी, ऐसा कोई सपना नहीं जो होता नहीं पूरा। और तू चल निकल, चल सिद्धू साहब, शेर उस पर शेर तो बना नहीं सिद्धू साहब, सिद्धू सरकार बनाएगा। तू तू निकल। मैं देखो मैं सरकार बनाऊंगा। हेलो राम गोपाल वर्मा, मेरे को सरकार बनानी है। फोन काट दिया, सोनी साहब मेरा चेक काट दो। ओए तुम लोग निकलो, चलो। सिद्धू साहब मैं इधर डिबेट में बैठने के लिए आया हूँ। ओ तू चल निकल, चल कहीं जाके मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला, चल। सही कहा, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल। और तू वो मौत वाला कुआं बन। वाह सिद्धू साहब वाह वाह वाह। और दोनों एक दूसरे को ठोको। शिल्पा जी ठोको। ओ जोशी साहब ठोको, नहीं आप गुजराती हो, आप ठोक लो, ठोको फाफड़ो, रोको 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 इसे रोको। ओ मैं कहा ठोक लो फाफड़ो। ओ राणा साहब आप कहते थे ना कि मुझको राणा जी माफ करना, आपको किया लेकिन इस औरत को मैं माफ नहीं करूंगा। शिल्पा देखो तुम अपने शो में छा गई, ये औरत मेरी कुर्सी खा गई। तो दूसरा हद से आगे जा रहे हैं आप। अब मैं तो सरहद से भी आगे चला जाता हूं कभी। मैं पकड़ना पड़ता है, पकड़ना पड़ता। मैं देखो मैं सरहद से आगे जाता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ। अच्छा तुम भी घूमा करो। अच्छा अच्छा तुम्हें मैं छोटे भाई कराओ। एक बात बताता हूँ, बताइए। तुम भी घुमा फिरा करो, एक काम करो, इतनी सी ग्रीन टी लो फेंक दो। तुम बहुत सारी ग्रीन टी तालाब में डालो, तालाब पी जाओ। मैं कह रहा हूँ फर्क पड़ेगा, तालाब को फर्क पड़ेगा, तुम्हें नहीं लगता पड़ेगा भाई। देखो हम हमारी चर्चा डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। हम पी लेंगे ग्रीन टी, थोड़ा टाइम लीजिए। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो रियलिटी शो में जज क्यों होना चाहिए? शिल्पा जी ये सवाल आपसे है, बताइए क्यों होना चाहिए जज? वाई? ओके गुड आंसर। इस विषय पे मैं चुनती हूँ आशुतोष जी को, जो मेरे प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि। इसके बारे में विशेष टिप्पणी देंगे वो, बताइए आशुतोष जी।
प्लीज एनलाइटन अज. देखिए आज की तारीख में सारी चीजें नापी जा सकती हैं, लेकिन रियलिटी को नापने के लिए कोई पैमाना नहीं है हमारे पास. वाह 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 वाह. मैं क्या मैं छा गए. क्या बात कही है, मेरे को नहीं पल्ले पड़ी. पर क्या बात है जोशी साहब, ये मेरा मोबाइल आप इधर रख के चार्ज करोगे? मेरा फोन आ गई आ गई. पर बाकी मैं देखो मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सरकार से अर्चना के इस्तीफे की मांग करता हूँ. मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, आप ही कुंडी ना खड़काओ राजा, इसको यहां से हटाओ राजा. मैं देखिए अर्चना जी, सिद्धू जी इतना कह रहे हैं, आप भी थोड़ा कंसिडर कीजिए, आप बड़ी हैं उनसे और बुजुर्ग भी. देखो मैं पूरा बोलूंगा, मैं पूरी एक एक पोल खोलूंगा आपकी. बुजुर्ग भी आप हैं मुझसे, बड़ी भी है मुझसे आप. मैं एक एक करके मैं किसी से डरता नहीं मोहतरमा, मैं पूरे राज खोलूंगा आपके. अर्चना जी बड़ी बुजुर्ग होने के नाते कृपया आप कुर्सी छोड़ दीजिए, आपके लिए दो लाइनें अर्ज करते हैं. ओए तेरी डिग्गी पजामा खा रही है. मैं देखो मैं कभी आज तक रोया नहीं, फिर आकर मेरी कुर्सी पर बैठ गई. मैं ये लो इसका मैं क्या करूं, ठोको. मेरे को बड़ा परेशान करती नकली अर्चना. मैं हर जगह जाके छा जाती हूँ, मैं क्या करूं. एक मिनट, तू तो वहां बैठी थी, यहाँ कैसे आ गई? मैंने कहा ना मैं आपकी शिष्य हूँ, हर जगह जाके छा जाती हूँ. तू छा नहीं गई, तू मेरी कुर्सी खा गई. मैं तो कहती हूँ आप खड़े रहो, क्योंकि चुनाव में भी तो खड़े रहते हो ना. Keep standing, my God. यही दोनों लोग बोली जाएंगे, मैं जाऊं यहाँ से. तेरे आने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जाने से क्या फर्क पड़ेगा? मैं चंदू हूँ, सिद्धू नहीं, जो इतनी आसानी से आउट हो जाऊंगा, इधर ही बैठूंगा मैं. सिद्धू कमाल है, तुम पॉलिटिशियन हो, क्रिकेटर भी हो, बाहर जाके पैसा क्यों नहीं कमाते? इसी बात पे एक शेर अर्ज किया है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना. जिंदगी एक सफर है सुहाना. देखो मैं सिद्धू साहब, हाउ डिस्गस्टिंग. कैमरा चल रहा उधर? अच्छा फिर ठीक है. देखो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिंदगी एक सफर है सुहाना. जिंदगी एक सफर है सुहाना, बाहर जाके काम करो, पता चलेगा कितना मुश्किल है पैसा कमाना. ठोको. सही है. बस आप लोग इस तरह झगड़ा मत कीजिए, मुद्दे पर आ जाइए, कोई बात नहीं. मैं मुद्दे पे, मैं शो पे आऊंगा, पहले मुझे शो पे लाओ, फिर मैं मुद्दे पे आऊंगा. अरे उसको बोलने दो ना, डिबेट है, उसको बोलने दो, यू टॉक. आप ऐसे डराएंगे तो कैसे बोलेंगे? देखो अर्चना, मैं रिस्पेक्ट यू. ना शो मैं चला रहा हूं, ना चला रही है तू, शो रब चला रहा है. चलो तुझे प्रमीत बुला रहा, चल चलो. चलिए बैठ जा, बैठ. मैडम बता कर ऐसा करो, पिछली बार भी हंस रही थी, कौवा बाहर आ गया था, वो मैंने चम्मच से अंदर किया था, याद है कि नहीं? चलिए आप जरा चर्चा को आगे बढ़ाएं, प्लीज. चर्चा को छोड़िए, आप थोड़ा खर्चा कीजिए, भूख लगी कुछ खिलाइए. ओ मक्खी की लंगोट. ओ मक्खी. ओए मेरी पीटड़ी हो गई. ओ
मक्खी के लंगोट वो बकरी वो सच में लगता है वो। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला मुद्दा है, नेक्स्ट मुद्दा जिसके बारे में हम यहाँ पर डिबेट करना चाहेंगे, वो यह है कि अक्सर आजकल जब लोग बाहर घूमने जाते हैं या कहीं पे खाना ऑर्डर करते हैं, खाना आता है तो खाने से पहले, घूमने से पहले फोटो लेके सोशल मीडिया पे डालते हैं। वाई ये गलत बात है। हाय शिल्पा, हाय बोलो ना मेरे फैंस को। हाय कपिल शर्मा, शूटिंग माइंड ब्लोइंग। भाई माँ तो होती है ममता की मूर्त, माँ होती है ममता की मूर्त, वो ऐसे बच्चे भी पाल लेती है। माँ होती है ममता की मूर्त, वो ऐसे बच्चे भी पाल लेती है। भाई चैनल पे आने से पहले सारा शो इंस्टाग्राम पे डाल देती है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.